हेलो एंड वेलकम टू टेली टॉकीज। दोस्तों, सुपरस्टार सिंगर सीजन 2 के मंच पर इस हफ्ते आप देखेंगे एक बड़ा मुकाबला पवनदीप और ऋतुराज के बीच में। ऐसा मुकाबला जो आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। पवनदीप ने दिया ऋतुराज को खुला चैलेंज, उसके बाद क्या हुआ, किस बात का किया दोनों ने मुकाबला, चलिए हम आपको बताएंगे इस रिपोर्ट में टेली टॉकीज की। पर अगर नहीं किया है अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाएं। दोस्तों, पवनदीप राजन आप जानते हैं कितने अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हैं, और पवनदीप राजन ड्रम्स को तो बहुत ही अच्छे से बजाते हैं। और ऐसे में इस हफ्ते सुपरस्टार सिंगर सीजन 2 के मंच पर सेलिब्रेट हुआ द ग्रेट ज्वाइंट फैमिली वीक, और इस एपिसोड में हुई थी खूब सारी मस्ती। जी हाँ, इस एपिसोड में पवनदीप ने बच्चों के साथ बहुत मस्ती की। पवनदीप ड्रम्स बजा रहे थे, और जब पवनदीप ड्रम्स बजा रहे थे तो उन्होंने बैठे हुए बच्चों को यानी कि कंटेस्टेंट्स को भी इनवाइट किया। ऐसे में पवनदीप के पास वो सब बच्चे आए जिनको इंस्ट्रूमेंट्स बजाने आते थे। हम आपको बता रहे हैं कि प्रांजल ने भी इंस्ट्रूमेंट बजाए और ऋतुराज ने भी। ऋतुराज ने ड्रम्स बजाए जहाँ पर पवनदीप बैठे थे। जब ऋतुराज ने ड्रम्स बजाने शुरू करे तो किसी को भी नहीं लग रहा था कि ऋतुराज ड्रम्स को बजा पाएंगे, क्योंकि ऋतुराज बहुत छोटे हैं, उनकी उम्र सिर्फ 10 साल है। लेकिन जब ऋतुराज ने अपने हाथ में स्टिक्स पकड़ी और ड्रम्स बजाने शुरू करे तो ऐसे में हर कोई हैरान रह गया और हर कोई नाचने और झूमने पर मजबूर भी हो गया। हम आपको बता दें कि ऋतुराज को देखकर पवनदीप भी हैरान थे, क्योंकि पवनदीप को भी उम्मीद नहीं थी कि ऋतुराज इतने अच्छे से ड्रम्स को बजा पाएंगे। पर जब ऋतुराज ने ड्रम्स बजाए तो ऐसे में सारे का सारा माहौल हो गया एकदम मस्त। भाई अब आप क्या कहेंगे इस पर, हमें कमेंट्स में जरूर लिखकर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना आप ना भूलें।